नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट खबर। दर्शकों, कुछ दिनों पहले सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ एसपी ऑफिस का घेराव किया था और कलेक्टर एसपी आबकारी विभाग पर गंभीर आरोप लगाए थे। एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा था जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए थे। पुलिस प्रशासन से लेकर कई नेताओं पर भी आरोप लगाए गए। रीवा को कोरेक सिटी, हर जगह पुलिस का कमीशन, यहाँ तक कि पुलिस की मिली भगत से ही रीवा जिले में नशा पैर पसार रहा है, ऐसे आरोप भी लगाए गए थे। दरअसल इन्हीं मुद्दों को लेकर कल फिर कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया गया। जिस तरह से रीवा में अपराध बढ़ रहे हैं, नशेड़ी, आए दिन लूट, हत्या, गोली कांड जैसे गंभीर अपराध हो रहे हैं, इन सब को देखकर वाकई इंसान यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर पुलिस कर क्या रही है। अपराधों को लेकर सत्ताधारी नेताओं की बात करें तो रीवा में विकास का श्रेय लेने में ये आगे दिखाई देते हैं, लेकिन विनाश का श्रेय आखिर ले तो कौन। जिस तरह से सिमरिया विधायक ने पुलिस पर आरोप लगाए, शायद ये आरोप जनता की तरफ से थे। जनता भी ऐसी शिकायत करना चाहती थी अधिकारियों से, जो अभय मिश्रा ने की। और रीवा को कोरेक सिटी कहना भी उचित होगा, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि किस तरह से रीवा जिले में कोरेक्स बिक रही है। थानों का हफ्ता बदा होता है इन कोरेक्स तस्करों से, नशेड़ियों से, ऐसा आरोप हम नहीं अभय मिश्रा ने लगाया था। इन्हीं सब आरोपों के बाद आज जब फिर से कांग्रेस पार्टी द्वारा घेराव किया गया तो अधिकारी सफाई देते नजर आए। प्रभारी एसपी व एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि विधायक अभय मिश्रा ने शिकायती पत्र सौंपा है। उनका कहना था कि जिले में अवैध शराब और कोरेक्स का व्यापार चल रहा है, पुलिस लगातार अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चला रही है। विधायक के द्वारा लगाए गए जो भी आरोप हैं उसमें अगर वह साक्षी उपलब्ध करवाते हैं तो दोषियों के विरुद्ध अवश्य कार्यवाही की जाएगी। आज उन्होंने घेराव किया, एक ज्ञापन दिया है जिसमें इन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि लगातार जो है फोरेक्स और दारू की पैकारी चल रही है। इस संबंध में उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। पुलिस का लगातार इस समय अभियान चल रहा है। हमने पिछले वर्ष 2023 में मतलब लगभग करोड़ रुपए के ऊपर की शराब जो है हमने प्रकरण पंजीबद्ध कर जब्त किया गया है, और इसमें लगभग 1000 से ऊपर प्रकरण जो है पंजीबद्ध हुए हैं। इसी तरह 2024 में हमने ये आंकड़े निकाले हैं, फरवरी 2023 में हमने 1055 मामले, केवल 5 महीने में 1055 मामले हमने प्रकरण हमने कार्रवाई की है, जिसमें 1055 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 4377 लीटर शराब जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत 16,73,674 रुपये है। इसी तरह उसी 2023 के उसी अवधि में 2024 के अवधि में हमने 1073 प्रकरण हमने पंजीबद्ध किए हैं और उसमें 1073 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 6030 लीटर शराब जो है हमने जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत 21,28,772 रुपये है। तो हम लगातार जहाँ जहाँ सूचनाएं मिलती हैं, चाहे वो इसी तरह कोरेक्स की बात आई थी, कोरेक्स में जो है हमने इस 5 महीने में, जो 1 जनवरी से मई तक का मेरे पास आंकड़ा है, जिसमें हमने 6,772 कोरेक्स और 1,08,656 नग जो है नशीली कैप्सूल्स ये बरामद की है, जिनकी अनुमानित कीमत 76,90,240 रुपये है। ये 5 महीने की अवधि की कार्रवाई है। पुलिस निरंतर जो है इस नशा मुक्ति अभियान में कार्रवाई कर रही है, भविष्य में भी ये क्रम जारी रहेगा। और जो उनने बताया है कि कुछ स्थानों में कि ज़्यादा शराब या पैकारी होती है और कोरेक्स बेचे जाते हैं, उन पर भी निगाह रखी जाएगी और उन पर सूत्र लगा करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर की जाएगी। आरोप आप किसी पे भी लगा सकते हैं, यदि आरोप अपने
साक्ष्य के साथ में वो हमें आवेदन दे, हम उसकी जांच करेंगे और ऐसे दोषी अपराधी यदि कोई पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई होगी और विभाग से भी पृथक करेंगे। हमने उन्होंने एक बात और कही है सर कि जब मेरा काम चलता था साक्षी के राज्य का तो मैं थाने में 2 लाख रुपये और एसपी को 20 लाख देता था, ये जवाब वही दे पाएंगे इसका। और यदि वो अगर शराब के व्यवसाय में यदि कोई भ्रष्टाचार का पैसा करना तो भ्रष्टाचार करना और भ्रष्टाचार के लिए सहयोग करना सब अपराध की श्रेणी में आता है। सर एक और सवाल है कि जिस तरह से आपको आरोप लगा रहे हैं तो क्या इस पे केस बनता है, वो तो क्या केस करेंगे क्या, क्योंकि हमेशा पुलिस पे ये लोग करते हैं पूरे नेगेटिव खबर जाती है पुलिस की, तो क्या ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए कुछ कार्रवाई की जाएगी? पुलिस अपना काम करती है, आरोप सब लगाते रहते हैं, उससे हमें अपने जो कर्तव्य हैं हमको उसको पालन करना चाहिए। हमें अगर कोई अवैध काम हो रहा है उस पर कार्रवाई करना चाहिए, कौन बोल रहा है उस पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। सर एक और सवाल है कि जिस तरह से आपको